नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी एक्सेल में इंग्लिश नाम को गुजराती, हिंदी या दुनिया की कोई भी भाषा में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम सीखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा गूगल पे, और गूगल पे जाकर हम यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल सीट। जो गूगल का ही एक ऑफिस का प्रोडक्ट है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए आप। जब आप इस साइट पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर गो गूगल सीट्स पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्टार्ट अ न्यू स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। आपको न्यू सीट सिलेक्ट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप आपके पीसी में से भी सीट को इधर ला सकते हैं। मेरे पास एक्सेल सीट पहले से अवेलेबल है जो मैंने बना के रखी है, मैं उसी सीट को यहाँ पर ले आता हूँ। दोस्तों, आपको जैसे कहाँ सीट लाना है आपके कंप्यूटर से, तो आपको इधर अपलोड के बटन पे जाना है और सिलेक्ट फ्रॉम माय कंप्यूटर सिलेक्ट करना है, और डेस्कटॉप पे मैंने ये फाइल रखा हुआ है तो मुझे डेस्कटॉप पे से ये सिलेक्ट करना है। इंग्लिश नेम का ये मेरा फाइल है, ओपन करते हैं इसे। दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये सीट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब हमें मान लीजिए कि काफ़ी सारे इंग्लिश में नाम है या दुनिया की कोई भी भाषा में नाम हो, उसको किसी भी भाषा में हमें टाइप किए बिना ही फटाफट हमें ट्रांसलेट करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये एक्सेल ओपन हो चुका है। देखिए दोस्तों, अभी हमें जो एक कॉलम में ये डेटा है, इसे हमें हिंदी में यहाँ पर टाइप करना है। लेकिन दोस्तों, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम बिना टाइप किए ही ये सारे नाम हिंदी में यहाँ पर ले आएंगे, और इसी तरह से गुजराती में, और आप दुनिया की जिस भाषा में चाहे उस भाषा में डायरेक्ट इस फॉर्मूला की वजह से आप ये डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है, गूगल का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट। देखिए दोस्तों, ये टेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पर कि आपका टेक्स्ट कौन सा है। आप यहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मेरे पास ये सीट में ये डेटा पहले से ही अवेलेबल है, तो मैं इसे सेल एड्रेस दे देता हूँ A2। उसके बाद ये सोर्स लैंग्वेज पूछ रहा है कि आपके इस डेटा में सोर्स का लैंग्वेज क्या है। तो इस सोर्स का लैंग्वेज है मेरा इंग्लिश है, तो मैं इसे डबल कोट में EN कर देता हूँ। उसके बाद ये देखिए टारगेट लैंग्वेज पूछ रहा है कि आपका टारगेट लैंग्वेज क्या है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने दिखाया हिंदी है, तो इसलिए मुझे ये इसको हिंदी में टाइप करना है। तो मैं इसके हिंदी के मैं पहले दो अक्षर कैरेक्टर HI उसको टाइप करूंगा, डबल कोट पूरा कंप्लीट, और एंटर दे दीजिए। तो दोस्तों, देखिए आप, थोड़ा टाइम लगेगा, ब्रिजेश पंचाल यहाँ पर आ गया है। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत आपको करेक्शन करना रहेगा, लेकिन मैक्सिमम वर्क आपका जो है इस फॉर्मूला की वजह से बहुत ईजी में हो जाएगा। दोस्तों, आइए फिर से एक बार देखते हैं, और अभी इस नाम को हम गुजराती में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, इज इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट। टेक्स्ट हमें से पूछ रहा है, टेक्स्ट नहीं दे रहे हैं, हम इसको सेल एड्रेस दे देते हैं A2। सिलेक्ट टारगेट लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज है हमारा EN इंग्लिश। ओके, टारगेट लैंग्वेज हमें चाहिए गुजराती, तो हम यहाँ पर GU रखे कंप्लीट, एंटर दे देते हैं। ब्रिजेश पंचाल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है दोस्तों, और ये सारा फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ, देख लीजिए दोस्तों। देखिए, आप इस फॉर्मूले की वजह से आपको हिंदी, गुजराती या आप दुनिया की किसी भी भाषा में आपकी एक्सेल या कोई भी डेटा आप बहुत ही इजी से इसे टाइप किए बिना आप कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों, आपको ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।